Hello student, how are you? In previous video we already read and understand our chapter number 3, No Smiles Today. In this video we learn book activity of chapter number 3. So first is the fill in the blanks. Let us start. You have to attention on this. A, fill in the blanks. Shanti was always cheerful or sad? Correct option is cheerful. Shanti hamesha cheerful rehti thi, wo sad nahi rehti thi. So answer is cheerful. Shanti's cheeks were red or white and it looked like she had a fever. Shanti's cheeks were white the, red the. Uske cheeks kaise the? Red. और उसको क्या लग रहा था? शी एंड इट लुक लाइक शी हैड फीवर, और उसको फीवर है ऐसा लग रहा था. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा? रेड, आर ई डी, रेड. अरुण वांटेड टू मेक शांति हैप्पी सैड. अरुण क्या चाहता था? शांति को सैड करना कि हैप्पी करना? हैप्पी करना. सो हियर आंसर इज हैप्पी. अरुण वॉन्टेड टू मेक शांति हैप्पी. Next page. This one. Okay. Change the following words into plurals, then complete the crossword. Change the following words into plurals. ये जो भी words दिए हैं, उसको आपको उसके plurals write करने हैं. And then complete the crosswords. और आपको ये वाला जो नीचे दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको पूरा फील करना है. ओके, सो यहाँ पे अक्रॉस और डाउन, मतलब ये अक्रॉस, ये वाला में क्या आएगा? जैसे अक्रॉस जो लाइन दी हुई ना, उसमें ये फोर नंबर है, तो यहाँ पे फोर, तो मैंगो, और मैंगो का प्लूरल क्या होगा? मैंगोज, एम ए एन जी ओ ई एस, नॉट एस ओ. हाँ, एक बात और, अगर वर्ड कोई भी वर्ड है और उसके लास्ट में वोवेल है तो प्लूरल बनाएंगे तो ई एस लगाएंगे, है ना, ओनली एस नहीं, ई एस लगाएंगे. जैसे ओ है यहाँ पे, तो ओ एम एन जी ओ, ओ पे एंड हो रहा है, तो अपन यहाँ पे उसको प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगाएंगे. ओके, सो मैंगो का क्या होगा? मैंगोज, एम एन जी ओ, एम एन जी ओ ई एस, मैंगोज. नेक्स्ट, इंसेक्ट, आई एन एस ई सी टी, इंसेक्ट, इंसेक्ट प्लूरल, आई एन एस ई सी टी एस, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स. ओके, और हाँ, एक आप आगे जाओगे तो आपको ऐसे रूल्स भी पता चलेंगे. अभी आप बस स्पेलिंग लर्न कर लेना कि इसमें ऐसे प्लूरल बनता है. इसमें भी देखो ई एस लगा है, ग्लास, ग्लासीस, ग्लास, ग्लासीस, है ना, डबल वर्ड हो, कुछ भी हो, ऐसे रूल्स बहुत सारे हैं. आप थर्ड फोर्थ में जाओगे वहां पे आपको रूल्स पता चलेंगे. नेक्स्ट, बैग, बैग्स, बी ए जी, बैग, बी ए जी एस, बैग्स, डी आर ई डबल एस, ड्रेस, डी आर ई डबल एस सी एस, ड्रेसेस, डी आर ई डबल एस, ड्रेस, डी आर ई डबल एस सी एस, ड्रेसेस, S A N D W I C H, sandwich, S A N D W I C H E S, sandwiches. Spelling क्या होगा? E S, sandwiches में E S लगेगा, S A N D W I C H E S, sandwiches. Brush, brushes, brush, brushes. Spelling B R U S H E S, brushes. Okay, so आपको डाउन में ये पूरा मैंने यहाँ पे थोड़ी देर रहने देती हूँ, आपको ऐसे फील कर लेना है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट पेज. ओके, नेक्स्ट पेज, फिल इन ईच ब्लैंक विद द प्लूरल ऑफ नाउन गिवन इन ब्रैकेट्स. फिल इन ब्लैंक्स विद द प्लूरल ऑफ नाउन गिवन इन ब्रैकेट्स. ये जो वर्ड्स दिए ब्रैकेट में उसका प्लूरल फॉर्म राइट करना है और आपको ब्लैंक्स फिल करनी है. फर्स्ट इज द गर्ल्स क्लाइम्ड द ट्रीज. क्या फिल करना है? प्लूरल फॉर्म फिल करना है. सो वी राइट हियर
as trees. The girls climbed the trees. Next, they had two bunches of grapes. फर्स्ट लाइन थी द गर्ल्स क्लाइम द ट्रीज. जो गर्ल्स थी वो बहुत सारे, मतलब दो से तीन गर्ल्स होंगे और दो से तीन वो ट्रीज होंगे, तो वो ट्रीज पे चढ़ रही थी. दे एट टू बंचेस ऑफ ग्रेप्स. वो कौन सा वो था, वो ट्री आसपास था. ग्रेप्स का तो ट्री नहीं होता है, पर वो कोई ट्री था, उस पे चढ़ के वो जो ग्रेप्स के बंचेस है तो वो खा रही थी. बंच का बंचेस, बी यू एन सी एच. सो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, बी यू एन सी एच एस, बंचेस. नेक्स्ट, वी सॉ मैनी बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई. हियर इज बर्ड, बर्ड ब्रैकेट में तो इसका प्लूरल होगा बर्ड्स. वी सॉ मैनी बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई. हमने बहुत सारे बर्ड्स स्काई में फ्लाई करते हुए देखे. नेक्स्ट, पारुल प्लेस्ड थ्री डिशेस ऑन द टेबल. डिश है डी आई एस एच, डिश, तो उसका प्लूरल होगा डी आई एस ई एच ई एस, डिशेस. पारुल प्लेस्ड थ्री डिशेस ऑन द टेबल. नेक्स्ट, दे वर थ्री बफेलोज वॉकिंग डाउन द रोड. देयर वर थ्री बफेलोज वॉकिंग डाउन द रोड. बफेलो का बफेलोज, बी यू डबल एफ ए डबल एल ओ ई एस, बफेलोज. क्लियर. नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी, राइट द सी, राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. आपने फर्स्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर ग्रामर में सीखा है, सो हियर इज इट. Write the following words in alphabetical orders. Here are some words. आपको words दिए हुए हैं आगे पीछे, उसको आपको alphabetical order में arrange करना है. Okay, so alphabetical order, clearly you know A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D order, है ना? So bear, dog, cat and horse. First क्या आएगा? A वाला नहीं है, B, bear. Next, C, cat. Third, डॉग और लास्ट में हॉर्स. मैंने आंसर राइट कर दिया है. नेक्स्ट, केक पिज्जा बर्गर मफिन. सो फर्स्ट इज बर्गर, केक, मफिन, पिज्जा. नेक्स्ट, टेबल चेयर बेड सोफा. तो आंसर इज बेड चेयर सोफा एंड टेबल. Okay, so here our book activity is completed. I hope all of you understand very well and keep learning. Bye everyone.